क्या टॉपिक है? हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया के बारे में कुछ आइडिया है क्या होता है, कैसा रोग है? हाँ, ब्लड नहीं रुकता, इसको बंद करो। ठीक है, ब्लड नहीं रुकता, ठीक है, रक्त का स्कंदन नहीं होता, यानी कि ऐसा चोट लगा, चोट लगने के बाद ब्लड निकलना शुरू हुआ तो थक्का नहीं जमता, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस रोग को हीमोफीलिया। क्लियर है? अच्छा, इसको हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं, हीमोफीलिया को शाही रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाही रोग। शाही खानदानों में फैला था भाई ये रोग, ठीक है ना। दाऊ आदमी वाले घर में नहीं है, ऐसा वाला कहानी नहीं है, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया है ना, उनके खानदान में फैला था और धीरे धीरे क्या हुआ, राजवंशों का, ध्यान सुनना, एक राजवंश का दूसरे राजवंश में ही विवाह होता है, तो अलग अलग ऐसा जो राजा महाराजा का फैमिली था पूरा ब्रिटेन में फैल गया था, यानी फिर धीरे से पूरा यूरोप में फैला ये रोग, ठीक है। हीमोफीलिया रोग क्या होता है, कैसा है, किस कारण से होता है, इसका वंशागतिकी कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मोस्ट आईएमपी है, 5 नंबर का आता है, ध्यान से सुनते रहना, ज़्यादा बातचीत नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन दूंगा बनाने के लिए, फटाक से बनाना, यहाँ पास भी दिक्कत है तुरंत पूछना, ठीक। देखो सबसे पहले है हीमोफीलिया, ठीक है, रोग का नाम लिख लेते हैं हीमोफीलिया, ठीक है ना। हीमोफीलिया शाही रोग भी बोलते हैं इसको, इसको हम लोग ब्रिडल्स रोग भी बोलते हैं, क्रिसमस रोग भी बोलते हैं, क्रिसमस रोग भी बोलते हैं। क्या होता है, कैसे होता है, देखो नॉर्मली कोई भी मनुष्य रहता है, ध्यान देना, कोई भी मनुष्य रहता है तो उस मनुष्य में जैसे ही चोट लगा, चोट लगने के बाद यदि ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट से 6 मिनट में रुक जाएगा, ठीक है। ब्लड को लॉस होने से बचाने के लिए हमारे ब्लड का एक मैकेनिज्म है जिसको हम लोग बोलते हैं रक्त का स्कंदित होना, ब्लड का जमना, रक्त का थक्का जमना, 11वीं क्लास में पढ़े थे, ठीक है, रक्त का थक्का जमने की विधि। असल में क्या होता है, रक्त का थक्का जमाने में लगभग 13 कारक शामिल होते हैं, ठीक है। तुम लोग नाम सुनोगे प्रोथ्रॉम्बिन से थ्रॉम्बिन में कंप्लीट चेंज होता है, फिर थ्रॉम्बिन जो रहता है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, फाइब्रिन धागा रहता है, ठीक है, जैसे कि ये तुम्हारा हाथ है, ठीक है, हाथ में ये क्या है तुम्हारा, ऐसा ब्लड वगैरह बह रहा है, ध्यान से समझना, यहाँ पास जैसे ही चोट लगा, चोट लगेगा तो ये ब्लड ऐसा निकलना शुरू होगा, तो यहाँ पास क्या होता है, प्लेटलेट्स जो रहता है, ठीक है, वो यहाँ पास आएगा, ठीक है, और उसके साथ साथ बहुत सारा रक्त स्कंदन का रखाएगा, यहाँ पास फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन ऐसा एक जाल बना देगा, और जाल बनेगा तो यहाँ पास ब्लड जो बाहर निकल रहा था वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। लगभग 13 कारक के ऊपर निर्भर करता है, और मान लो उनमें से कोई एक भी कारक यदि मिस हुआ, 13 अलग अलग केमिकल्स रहते हैं जिसके ऊपर ये पूरा मैकेनिज्म क्या रहता है, निर्भर रहता है, कैस्केड थ्योरी अलग से उसके लिए पढ़ाते हैं, ठीक है ना, रक्त स्कंदन का तुमको नहीं जानना उतना ज़्यादा, ठीक है, बस इतना जानना कि ब्लड के जमने में कितने कारक होते हैं, 13 कारक जिम्मेदार होते हैं, उनमें से मान लो कोई कारक की कमी होते जाती है तो ब्लड जम पाएगा क्या, नहीं, ठीक है, ब्लड नहीं जम पाएगा, ठीक है। तो क्या होता है हीमोफीलिया रोग, उसको क्या बोल रहा है, देखो हीमोफीलिया रोग में, हीमोफीलिया के रोगियों में रक्त स्कंदन कारक की कमी होती है, 13 रक्त स्कंदन कारक है, हो सकता है, देखो रक्त स्कंदन कारक को 1st, 2nd, 3rd, 4th ऐसे करके शो करते हैं, सबका अलग अलग नाम रहता है ना, तो मान लो 13 ठोक है, कितना है 13 ठोक, तो कोई एक मिस हुआ, कोई ये वाला मिस हो गया या ये वाला मिस हो गया, समझ रहे हो ना, कोई भी ऐसा कोई भी रक्त स्कंदन कारक मिस होगा उसके कारण हो सकता है क्या आपका हीमोफीलिया, ठीक है, ब्लड नहीं जमेगा। देखो क्या बोल रहे हैं, हीमोफीलिया के रोगियों में रक्त स्कंदन कारक की कमी होती है, इस कारण रक्त स्कंदन नहीं होता, यदि होता भी है तो बहुत लंबे समय बाद। अच्छा, सामान्य व्यक्ति में रक्त स्कंदन काल कितना होता है, 3 से लेकर 6 मिनट। अब ये हीमोफीलिया कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले है हीमोफीलिया ए, जो सबसे कॉमन टाइप का हीमोफीलिया जिसके बारे में हम बात करते हैं, हीमोफीलिया असल में क्या होता है, इसको क्लासिक हीमोफीलिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लासिक हीमोफीलिया, इसमें रक्त स्कंदन कारक 8 एंटी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, एंटी हीमोफिलिक या हीमोफिलिक ग्लोबिन फैक्टर, एंटी हीमोफिलिन ग्लोबिन फैक्टर, इसका कमी हो जाता है, जो कि स्कंदन कारक नंबर रहता है कितना, 8, क्लियर है, इसके कारण क्या हुआ, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया क्या हो गया, ए, यहाँ तक समझ आया, ठीक है। अच्छा, इसका जैसे ही कमी हो गया तो क्या हो गया, हीमोफीलिया ए, और हीमोफीलिया ए को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन हीमोफीलिया, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा होता है हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया बी जो रहता है, ठीक है ना, इसको क्रिसमस रोग भी बोलते हैं, हीमोफीलिया बी को क्या बोलते हैं, क्रिसमस रोग, क्रिसमस नाम का एक व्यक्ति था, स्टेफेन क्रिसमस नामक व्यक्ति, उसको सबसे पहले हुआ था, उसी के नाम पर रखे हैं, इसको क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं। तुम्हारा स्कंदन कारक नंबर 9, ये 8 है, ये कौन सा 9, ठीक है ना, PCT, इसका पूरा नाम है क्या, तुम्हारा प्लाज्मा थ्रम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, प्लाज्मा थ्रम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, इसका कमी से ये एंटी हीमोफीलिक ग्लोबुलिन
इसके कमी से हीमोफीलिया क्या हुआ, एक केमिकल का नाम है याद रखना पड़ेगा ना, एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन। ये क्या है, क्या है ये, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, या ऐसे याद रखना, रक्त स्कंदन कारक 8 की कमी से, ये रक्त स्कंदन कारक 9 की कमी से, इसी क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसके कारण हो गया हीमोफीलिया बी। क्लियर है, हीमोफीलिया बी। कॉमन हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया ए। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, उसके बाद देखो तीसरा हीमोफीलिया सी, ठीक है, यह स्कंदन कारक नंबर कितना, 11, PTA बोलते हैं जिसको, PTA क्या है भाई, ठीक है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट कितना नंबर, 11 नंबर, हीमोफीलिया सी इसके कारण होता है। तीनों जान डाले, कितने प्रकार का होता है हीमोफीलिया, तीन, ए बी सी, कॉमन कौन सा है, ए, किसकी कमी से होता है, एंटी हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबुलिन फैक्टर उसके कारण होता है, स्कंदन कारक नंबर 8, उसके बाद हीमोफीलिया बी किसके कारण, 9, और 11 के कारण हीमोफीलिया सी। क्लियर है। अच्छा, हीमोफीलिया की खोज जॉन ऑटो नामक वैज्ञानिक ने किया था, OTTO ऐसा दिया है तुम्हारे बुक में, प्रबोध में, जॉन ऑटो नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसकी वंशागति की हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस वंशागति की, क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस वंशागति की। अच्छा, इसको शाही रोग क्यों बोलते हैं, देखो इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया इस रोग की वाहक थी जी, ठीक है, इसने इस रोग का प्रसार अपने बेटे नियोपोल्ड में किया, इसके बाद यह रोग कई शाही परिवारों में फैल गया, क्योंकि राजवंशों में ही विवाह का प्रथा चलेगा, ठीक है, राजा का शादी एक दूसरे राजघराने में ही होगा ना, ऐसा रहता है, तो पूरे शाही परिवार में फैल गया, इस कारण इसको शाही रोग भी बोलते हैं। अच्छा, आप ध्यान से सुनना, इसमें जो सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं, बता डालोगे, इंट्रोडक्शन दे डालोगे, हीमोफीलिया, ध्यान से सुनो कैसे बोलोगे, हीमोफीलिया के बारे में आएगा तो क्या बोलोगे, हीमोफीलिया एक लिंग सहलग्न रोग है, लिंग सहलग्न रोग, हीमोफीलिया एक लिंग सहलग्न रोग है, इस रोग में रक्त निकलने पर उसका थक्का नहीं जमता। हीमोफीलिया तीन प्रकार का होता है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी व हीमोफीलिया सी, जो कि क्रमशः रक्त स्कंदन कारक 8, 9 व 11 की कमी से होता है। हो गया तीनों का डिटेल, अब ध्यान से समझना, देखो रोग ना, देखो हमारे पास क्रोमोसोम का संख्या कितना है, टोटल 23 जोड़ा, कितना जोड़ा है, 23 जोड़ा। अब ये जो 23 जोड़ा है, इसमें से जो 22 जोड़ा है और एक जोड़ा, 22 जोड़ा को हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम, दैहिक गुणसूत्र, ठीक है ना, और इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र, क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र। यहाँ तक क्लियर है। यदि नर हो तो XY, मादा हो तो XX, क्लियर है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो रोग का जीन है वो इस लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है, किसके ऊपर रहेगा, इस लिंग गुणसूत्र के ऊपर। यहाँ तक क्लियर है। और वो भी कौन से गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र में, एक्स पर, किसमें, एक्स पर, यानी कि एक्स सहलग्न जीन होता है इस रोग का, कौन सा, एक्स सहलग्न जीन। यहाँ तक समझ आया, किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं, क्लियर है। तो ये 22 जोड़ी के ऊपर निर्भर नहीं करेगा, वो किसके ऊपर करेगा, ये जो 23वां अंतिम जोड़ा है ना हमारा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना, उसके ऊपर रहेगा। अच्छा, ध्यान समझना, कंडीशन समझो, एक्स और वाई है, एक्स गुणसूत्र पर रहता है, बोलो हीमोफीलिया को शो करूंगा मैं स्मॉल एच से, किससे, स्मॉल एच से। यदि किसी में एक्स एच वाई है, ऐसा हीमोफीलिया का जीन है, मतलब ये पुरुष है, एक तो एक्स वाई है, तो ये क्या होगा, पीड़ित पुरुष या रोगी पुरुष, रोगी पुरुष ये हो जाएगा कहानी, ठीक है ना, रोगी पुरुष रहेगा ये, ध्यान से समझना। ये तो सामान्य नर है, सामान्य नर। अच्छा, उसके बाद देखो एक्स एच एक्स ये रोगी नहीं होगी। यदि फीमेल में दोनों एक्स में उपस्थित रहेगा ना हीमोफीलिया का जीन, तब वो रहेगी क्या, रोगी। अभी क्या रहेगी, वो वाहक। अब क्या रहेगी, वो वाहक। अभी क्या है, वो वाहक, और एक्स एच आ गया, अभी क्या है, वो रोगी। क्या है, रोगी, क्लियर है, ऐसा कहानी है। अब हमको अलग अलग कंडीशन देखना है। मान लो एक सामान्य नर है, उसका शादी, ध्यान से समझना, एक सामान्य नर है, उसका शादी एक वाहक हीमोफिलिक स्त्री के साथ हुआ या रोगी के साथ हुआ, या रोगी नर है उसका वाहक के साथ शादी हो रहा है, तो उसका जो संतति आएगा उसमें रोग का कहानी कितना रहेगा,
कितना नर यानी कि रोगी रहेगा, कितनी मादा वाहक रहेगी, ये सब परसेंटेज निकालना रहता है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ये समझ आया? यदि एक्स तो एच है, ये देखो रोगी हो गया, लेकिन यहाँ पास डबल होगा तब रोगी, और ये भी मादा ना, रोगी मादा विवाहक मादा। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, शुरू करें आप, और ये क्रॉस वाला क्वेश्चन ही आएगा इससे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। चलो सबसे पहला क्वेश्चन ये देखो कैसा, सबसे पहला क्रॉस बताना है, हीमोफिलिक पुरुष व वाहक स्त्री। चलो पहला केस देख रहे हैं ना हम लोग, हीमोफिलिक पुरुष वाहक स्त्री। सबसे पहले देखो हीमोफिलिक पुरुष यानी कि वो रोगी है, यानी कि एक्स एच वाई ये है, वाहक स्त्री है मतलब एक्स एच एक्स ऐसा होगा। अब इसका क्रॉस बनाना है, कैसे बनाते हैं ध्यान से देखो, कॉपी पेन निकाल लिए रहना सब लोग, क्योंकि क्वेश्चन फिर मैं दूंगा तुम लोगों को बनाने के लिए। देखो कभी भी ऐसा स्थिति रहता है, देखो इसका कितना युग्मक बनेगा, दो, इसका भी कितना युग्मक बनेगा, दो, ध्यान देना, एक्स एच वाई एक्स एच एक्स एक्स है ना, ठीक है, ये है तुम्हारा क्या नर, रे है मादा, ठीक है। इसका क्रॉस एक बार इसके साथ होगा और इसी का क्रॉस एक बार इसके साथ हुआ, हो गया ठीक। उसके बाद इसका क्रॉस इसके साथ, एक मिनट रुको अलग कलर ले लेता हूँ यार, एक मिनट में, चलो ठीक, ये वाला इसका क्रॉस एक बार इसके साथ और इसका क्रॉस फिर एक बार इसके साथ, ऐसा टाइप से बनाना है तुमको। देखो एक्स एच और एक्स एच ये बना, एक्स एच हो गया, फिर इसका इसके साथ हुआ है एक्स एच एक्स ये बना, उसके बाद इसका एक्स एच वाई और फिर एक्स और वाई, कितना संतति प्राप्त हो गया, चार। अब यहाँ पास देखो एक्स एच है, ये है रोगी या पीड़ित लिख सकते हो मादा, ठीक है ना, ये वाहक मादा है, क्लियर है ना। अच्छा ये एक्स एच वाई रोगी नर है ना वाई, और ये सामान्य नर है, सामान्य नर। यहाँ पास देखो टोटल चार प्रकार का आया है, यानी कि 25% ये भी 25 और ये भी 25%, समझ आया कि नहीं। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग कंडीशन दिया रहेगा, उसमें क्या निकालना रहेगा कि हाँ रोगी मादा कितना परसेंटेज रहेगा, वाहक मादा कितना परसेंटेज हीमोफिलिस से, या सामान्य नर कितना रहेगा, या रोगी नर कितना परसेंटेज रहेगा। जैसे एक केस और देखते हो, देखो हीमोफिलिक पुरुष व सामान्य स्त्री, हीमोफिलिक पुरुष है, ध्यान से समझना, दूसरा हीमोफिलिक पुरुष व सामान्य स्त्री, कैसे बनाना है ध्यान से देखो, तुम लोग गलती बहुत करते हो। हीमोफिलिक पुरुष एक्स एच वाई, सामान्य स्त्री एक्स एक्स हो गया, ठीक है। ये देखो पहला एक्स एच एक्स, तुरंत वहीं पास बना लेना ना, फिर इसको इधर मिलाओगे एक्स एच एक्स हो गया, क्लियर है। ये वाहक मादा है ना, ये भी क्या है वाहक मादा, 25% यानी टोटल 50% वाहक मादा का परसेंटेज तुरंत यहीं पास लिख लो, कितना परसेंट बन गई है 50%, 50 ना, ये 25 ये 25। अभी यहाँ देखो ये वाई एक्स वाई और ये भी एक्स वाई, ठीक है ना।